हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपी स्टिचिंग एंड फैशन में आपका स्वागत है। आज हम जो लहंगा बनाने वाले हैं, साड़ी से हम लहंगा बनाएंगे। अगर आपको लहंगा बनाने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, ज़्यादा मेजरमेंट भी नहीं बताऊंगी, और आसान तरीके से हम ये साड़ी का लहंगा बनाएंगे। तो ये मैंने पूरी साड़ी ली, इसमें जो ये लेस लगी हुई थी इसे मैंने निकाल दिया, और यहाँ पे मैंने 2 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है, क्योंकि कम ही लिया है, क्योंकि ए लाइन कट करूँगी मैं अस्तर, इसीलिए। अब हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो हमारा मेजरमेंट है, कमर जो है 34 है, तो 34 में हमें 2 इंच ऐड करना, जितनी भी आपकी कमर हो उसमें 2 इंच ऐड कर लेना है हमें लूजिंग के लिए। और जो है ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है 36। लहंगे की जो लेंथ है 40 इंच, पूरा 40 है हमारा, तो उसमें से हमें 2 इंच का जो ये बेल्ट हमारा ऊपर आता है उसे माइनस करना होता है, तो हम यहाँ पे 2 इंच इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 38। तो कली की लंबाई हमें 38 रखनी, पर अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, पहले नहीं बनाया, तो आप 40 ही लेना कली की लंबाई, क्योंकि ऊपर और नीचे सिलाई में करते वक्त जो है कम ज़्यादा हो जाती, तो जब हम बराबर उसकी कटिंग करेंगे तो हमारा लहंगा छोटा ना हो जाए। पर मैं यहाँ पे 38 ही इसकी लेंथ लूँगी। हम 2 तरीके से कली कट कर सकते हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक हाफ सीधी आएगी, फिर इस तरीके से उसमें घेर आएगा, या फिर हम एकदम यहाँ से ही सीधा घेर लेके कट कर सकते हैं। तो मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसी तरीके की कली जो है इसमें कटिंग करने वाली हूँ। तो इसकी जो लेंथ मैं यहाँ 38 लूँगी कली की, 2 इंच हमारा बेल्ट ऐड हो जाएगा, 2 इंच हम बेल्ट रखेंगे सिलाई के बाद, पर जब कटिंग हम करेंगे तो इसे एक्स्ट्रा कटिंग हम लेंगे। और एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है कम है, उस हिसाब से भी हमें कली कट करनी। मैं यहाँ पे 18 कलियाँ कटिंग होगी मेरी यहाँ पे, क्यों होगी, क्योंकि देखिए 36 / 2 करूँगी मैं, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 18, क्योंकि मैं 2 इंच की कली कर रही हूँ, इसलिए मैंने 2 इंच से इसे भाग दिया है। अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हमें 3 इंच की कली कट करनी पड़ेगी, तो 36 को हमें 3 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा यहाँ पे जो आ जाएगा 12, तो हमारी कम कलियाँ कट होगी, कली की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, तो कली की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, तो इधर से हमारा जो फैब्रिक है ज़्यादा इस साइड और इस साइड से कट होगा, तो हमें कपड़ा कम नहीं होगा। तो आप कपड़े के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरी 5 मीटर जो है साड़ी ले रही हूँ, मैं उसमें से जो पल्लू भी कट कर नहीं कर रही हूँ, अच्छा घेर वाला लहंगा बनेगा हमारा इसीलिए। उसके बाद ये जो नीचे वाला घेरा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कपड़े के हिसाब से भी, मैं इसे जो है 12 इंच रखूँगी, और जो ये कली हमारी 2 इंच की कट होगी, पर हमें इसमें 1 इंच ऐड करना होगा। 1 इंच ऐड क्यों करेंगे हम, क्योंकि इधर भी सिलाई में आएगा हमारा और इधर भी सिलाई में आएगा हाफ हाफ इंच, तो हमारा जो हाफ हाफ इंच सिलाई में आएगा तो 1 इंच हो जाएगा, तो हमारी जो कली की ऊपर से चौड़ाई जो आएगी 3 इंच आएगी, और नीचे से मैं यहाँ पे 12 इंच रख रही हूँ, और जो इसकी मैंने जो लंबाई रखी है कली की 38 है, जो हमारी मेन जो लंबाई है उससे 2 इंच कम, आप 39 भी रख लेना, कटिंग में निकल जाएगा हमारा, और फोल्डिंग के लिए भी हमें चाहिए होगा, इसलिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा ही रखना होगी। मैंने फोल्ड करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिया है, इसे एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया, क्योंकि मैं साड़ी का बना रही हूँ, नीचे इस तरीके का मुझे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, यहाँ पे डायरेक्ट इसमें लेस लग जाएगी। अगर आप नॉर्मल फैब्रिक ले रहे हो तो उसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना होगा, तो 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना। मैंने यहाँ अस्तर को 4 लेयर फोल्ड किया है, देखिए इस तरीके से मैंने अस्तर को 4 लेयर फोल्ड कर लिया है, और ये इसकी चौड़ाई है और जो ये इसकी लेंथ है। तो लंबाई जो मैंने इसकी ली है, लंबाई जो मैंने इसकी 38 ली है, लहंगे के बराबर ही जो हम कली कट करेंगे उसके बराबर ही ली है, क्योंकि अस्तर थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, तो ये नीचे की तरफ से जो है यहाँ से फोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा, तो हल्का सा छोटा हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई ली है, ये कमर की हमारी जो चौड़ाई है 36 आई थी, तो उसका हमने 4th किया, क्योंकि 4 लेयर फोल्ड है ये, तो 9 आया, और मैंने इतना एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लिया है, कमर का 4th लेना हमें, और नीचे की तरफ तो मैंने पूरा इसका जितना भी अस्तर का घेरा है, जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा रहेगा, तो मैंने पूरा जो है घेरा ले लिया। इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने अस्तर की कटिंग कर ली है।
तो मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, दो पेपर को मैंने चिपका लिया है यहाँ से क्योंकि लेंथ कम पड़ रही थी पेपर की, और इन्हें डबल फोल्ड कर दिया। इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना, इधर हमारी जो है फोल्डेड साइड है। अब हम इसमें से कली निकालेंगे क्योंकि पूरा पेपर नहीं आएगा, तो मैं आपको हाफ हाफ में इसमें समझा दूंगी। तो ये फोल्डेड साइड है और ऊपर की साइड है, तो यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी कली कितने इंच की है। तो हमारी कली 3 इंच की हमने रखी थी, तो उसका हमें हाफ लेना है। तो 3 इंच का हाफ होगा हमारा 1.5 इंच, क्योंकि हम इसे फोल्ड में कट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमारी 2 इंच की कली है, पर हमने उसमें 1 इंच ऐड किया है सिलाई के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच और उसका हाफ कर लेना है, तो 1.5 इंच उस। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से 12 इंच पे मार्क कर दूंगी। यहाँ तक हमने 12 इंच पे एक मार्किंग कर दी। अब हमें ये लाइन सीधी ड्रॉ करनी है एकदम 1.5 इंच की दूरी पर। तो मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। आप ये कम भी कर सकते हो, 10 इंच तक भी ले सकते हो, फिर उसके आगे हमें घेरा बढ़ाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर एकदम सीधी। इसके बाद हमें, अब मैं आपको नीचे की साइड से समझा देती हूँ। तो देखिए ऊपर की तरफ से हमने 1.5 इंच लिया है और यहाँ से यहाँ तक 12 इंच। अब नीचे की साइड, तो हमें पहले लेंथ लेनी होगी उसकी कि कितनी लेंथ है। टोटल लेंथ जो हमारे लहंगे की आ रही है 38, ये देखिए यहाँ तक 38 तक। तो अब यहाँ पे हमें नीचे की साइड, नीचे की तरफ हमें 6 इंच पे मार्क करना है। हमने 12 इंच चौड़ाई रखी थी नीचे के घेरे की, तो हम 12 का हाफ करेंगे 6 इंच, 6 इंच पे हमें मार्क करना है। अब ये पॉइंट को जो ये हमने मार्किंग की है 6 इंच पर, इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिला देना है। हम एक स्केल की हेल्प से इस लाइन को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो देखिए इस टाइप से मैंने ये जो है, देखिए इस टाइप से मैंने ये जो लाइन ड्रॉ कर ली यहां से यहां और यहां से यहां तक। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से जो है हमारी कली की कटिंग हो चुकी है। ये हमारी कली का नीचे वाला पार्ट है और ये हमारी कली का ऊपर वाला पार्ट है। पूरी कली की मैंने जो है यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कली की कटिंग कर ली है। नीचे 6 था हमारा, ऊपर 1.5 इंच था। अब हम इसे ओपन करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी 3 इंच आ जाएगी चौड़ाई, वहां पे हमारी आ जाएगी 12 इंच। अब हमारी कली कट के रेडी है। अब हमें इसे साड़ी पे कटिंग करना है। तो देखिए मैंने कली को साड़ी के ऊपर सेट कर लिया है, एक पार्ट पे एक तरफ ही सेट किया है मैंने। और हम इसे दो तरीके से कट कर सकते थे ताकि कपड़ा बच जाए। अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो आप एक कली इधर रख के कट कीजिएगा, फिर इधर चौड़ाई कटेगी, इधर नहीं कटेगी। तो फिर इसे हम इस साइड पलट के कट कर सकते हैं, फिर उसे इस साइड ऐसे करके, तो कपड़ा बच जाता है। पर मेरी इस साड़ी में बॉर्डर है, देखिए इस तरीके से नीचे डिज़ाइन है, तो ये मुझे नीचे ही लेना है। तो मेरी सारी कलियाँ इसी टाइप से कट होगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस पे कली को रख लिया है। अब मुझे इसकी कटिंग कर लेनी है। पिनअप कर लूँगी मैं ताकि इधर उधर खिसके ना, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस टाइप से कली की कटिंग मैंने कर ली है। ऊपर इतना हमारा जो साड़ी में से लेंथ जो है कम, मतलब इतनी ही हमें कली जो यहाँ तक आई, इतना हमारा ऊपर की तरफ बच गया। तो मैंने ये जो है कली की कटिंग कर ली है। सेम इसी तरीके से एक के बाद एक रखते हुए मैं सारी कलियों की कटिंग कर लूंगी। तो देखिए अब मैं एक बार आपको दिखा
तो देखिए, अब मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये जो कली है इसे हमें इस तरीके से इस पे सेट कर लेना है, यहां से नीचे की तरफ से एकदम बराबर इधर से, और ऊपर की साइड से हमें इसे इस तरीके से सेट करना है। तो इधर हमारा जो है ये ज्यादा कटिंग में जाएगा, तो अगर दोनों तरफ हमारा कपड़ा सेम ऐसा ही होता पूरी साड़ी, तो मैं इस कली को इस तरफ रखती, ऐसे ऐसे रखती और फिर इसे कट करती पूरा अच्छे से सेट करने के बाद, तो हमारा जो है कपड़ा उधर बच जाता। इस तरीके से हम कम कपड़े में भी बना सकते हैं इधर उधर रख के, पर मेरी इसमें बॉर्डर है तो मैं सेम इसी तरीके से इसे इस साइड जो है सेट कर लूंगी अच्छे से, एकदम बराबर सेट करके पिनअप करने के बाद मैं इसे भी कट कर लूंगी। तरीके से मैंने इसे पिनअप करके सेट कर लिया है, अब इसे भी मैं कटिंग कर लूंगी और सेम इसी तरीके से हमें सभी कलियों को कट कर लेना। इस तरीके से हमने सभी कलियों को कट कर लिया। ये इस जो दो कलियां थोड़ी हैवी दिखाई दे रही है, हमारा पल्लू वाला पार्ट है, तो इसे आप किस साइड भी रख सकते हो, एक साइड रख लेंगे तो हम इसे ज्यादा अच्छा दिखाई दे। अब हमने सभी कलियों को कट कर लिया, अब हमें इन्हें सिलना है, तो उसके लिए मैंने ये कली रखी है जो एक सीधी है, इसके ऊपर ये दूसरी सेकंड वाली कली को हमें इस तरीके से रखना है। रखने के बाद हम डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं, पर अगर हम एकदम सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा जो साड़ी का है तो इस तरीके से खिंचाव में आएगा, तो हमारी कली छोटी बड़ी हो सकती है, इसलिए पहले मैं इसे बराबर पिनअप करूंगी। इसलिए मैंने कहा था कि आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम सिल रहे हो तो, डायरेक्ट सिलो तो, वरना हमें इस तरीके से पिनअप कर लेना है। पहले पिनअप करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो एकदम बराबर आएगा, और इस तरीके से अगर एक्स्ट्रा हमारा कटिंग में जाएगा तो हम उसे निकाल देंगे। तो मैंने इसमें पूरे में पिनअप कर लिया, अब हमें इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा दी, यहाँ से कम ज़्यादा आया था, हमने पिनअप एकदम बराबर किया था, तो हम इसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे। एकदम इस तरीके से बराबर रखना है, नेट में भी हमें इसी तरीके से करना है, क्योंकि जब हम इसे ओपन करते हैं, देखिए इस तरीके से तो ये सिलाई दिखाई देती, क्योंकि ये साड़ी भी पतली और नेट भी, तो इतनी अच्छी फिनिशिंग दिखाई नहीं देती, इसलिए सिलने के बाद फिनिशिंग के लिए इसे एकदम बराबर कटिंग करना चाहिए। हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहाँ से कटिंग कर दिया है एकदम थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद देखिए इस तरीके से हमारी कली जो है ये ज्वाइंट हो चुकी है, किस तरीके से खोल लिया। इसके बाद इसमें मैं एक और कली अटैच करूंगी, तो सेम इसी तरीके से ये इसका सीधा पार्ट है, इसे हमें इसके ऊपर रखना है, इसमें भी हमें पिनअप करना है एकदम बराबर सेट करने के बाद इसे, और उसके बाद इसमें भी हमें पूरा सिलाई लगा देनी। देखिए इस तरीके से मैंने तीसरी कली भी इसमें अटैच कर ली, सेम इसी तरीके से एक के बाद एक हमें कलियों को अटैच कर लेना है इसमें। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी कली को ज्वाइंट कर लिया है इसमें, एक के बाद एक सभी कलियां मैंने जोड़ ली है। देखिए मैंने इसमें जो है सिलाई लगाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से जो आएगी ये सिलाई, तो इसके धागे धागे निकलेंगे, तो हमारा जो सिलाई खिसक सकती है, इसलिए हमें इसे इधर दबा के ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे लगाई है ये, इस तरीके से मैं इसमें पूरी हर एक कली में जो है पूरे में इसमें सिलाई लगा दूंगी। मैंने इसकी हर कली में जो है ऊपर से सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। तो देखिए कितना अच्छा पूरा घेरा आया है, एकदम गोलाई से हमारा बहुत अच्छा घेरा आया है, हमारा लहंगा बहुत ही घेर वाला बन के तैयार होगा। इसके बाद मैं इसमें जो है ये वाली लेस लगाने वाली हूँ, तो ये लेस हमें सिंपल लेस जिस तरीके से हम अटैच करते हैं सेम उसी तरीके से मैं इसमें लगा लूँगी। पूरे लहंगे में हमें जो सिंपली जो है शुरू से स्टार्ट करना है। देखिए मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ और पूरे में हमें दोनों तरफ जो है सिलाई लगा देना है। उसके बाद इसमें से जो मैंने साड़ी में से लेस निकाली थी वही वाली लेस मैं इसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे लगा दूँगी सिंपल एकदम तरीके से।
ये जो लेस है मैं इसमें लगाने वाली हूँ, तो देखिए इसमें जो डिज़ाइन बनी हुई आई थी सेम उसी तरीके की लेस मैंने इसी डिज़ाइन की ली है, कि साड़ी में अगर हैवी लेस है तो उसे ही निकाल के हम बाद में वापस से उसे जो है लहंगा कंप्लीट होने के बाद, कलियाँ जुड़ने के बाद उसे भी हम लगा सकते हैं। अच्छी चौड़ाई वाली लेस हो और अच्छी हो तो वो भी बहुत सुंदर लगेगी। तो हम इसे यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं लगाना। तो देखिए मैंने इसमें पूरे में ये लेस लगा ली। अभी मैंने एक तरफ ही इसमें सिलाई लगाई है, इस साइड हमने अभी इसमें सिलाई नहीं लगाई है। ये जो पूरी 9 मीटर लेस ली थी उसमें से बच गई है, मैं अभी आपको बताऊंगी कितनी बची। उसके बाद जो ये वाली लेस है जो मैंने साड़ी में से निकाली थी, इसे भी हम अटैच करेंगे। तो पहले हम इस पर इधर भी सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं इसे साथ में लगा रही हूँ ताकि 2 बार मुझे ना सिलना पड़े, इसलिए मैं इसमें भी हमें 2 सिलाई लगानी होगी। तो एक तो हम इसके ऊपर यहाँ पे एकदम इसके कॉर्नर पे रखने के बाद सिलाई लगा देंगे यहाँ से, ताकि दोनों में साथ में सिलाई लग जाए, और एक सिलाई हमारी इस साइड आएगी इधर। तो पहले हम ये वाली कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक साइड मैंने इसे जो है लगा के पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरी साइड है ये वाली, इधर भी मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। देखिए इसे पूरे लहंगे में मैंने जो ये लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें इसमें अस्तर अटैच करना है। तो देखिए जो मैंने ये ए लाइन अस्तर कटिंग किया था, ये दोनों तरफ से ओपन है। देखिए तो एक तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे पहले। तो देखिए एक तरफ मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट है जो कमर वाला हमारा होता है, और नीचे नीचे की तरफ जो घेरे में आएगा वो जो हमने पूरा घेरा लिया था, मैंने कहा था फोल्ड होगा, ये यहाँ से हम इसे इस तरीके से जो है फोल्ड कर लेंगे। इस टाइप से थोड़ा सा फोल्ड करके हम इसमें जो है सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे बीच में से ज्वाइंट कर लिया और नीचे की तरफ से फोल्ड कर दिया। अब ऊपर की तरफ हमें इसमें लहंगा अटैच करना है। तो देखिए ये जो हमारा लहंगे का ऊपर वाला पार्ट है, इसे हमें इसमें पूरा जो है इस तरीके से अटैच कर लेना है। तरीके से यहाँ से पूरा मैं इसमें वहाँ तक जो है सिलाई लगा दूंगी। वो उधर हमने लेस लगाई और इधर हम अस्तर ज्वाइंट कर लेंगे। लहंगे को पूरा स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो है हमने ये लेस भी पूरी अटैच कर दी। ये हमारे लहंगे का ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे हम बेल्ट अटैच करने वाले। तो मैंने इसका जो है बेल्ट भी कटिंग कर लिया है। तो बेल्ट को हमें जो है ऊपर हमारा जितना भी आए कलियाँ जोड़ने के बाद, आप अगर सिलाई ज़्यादा लगाओगे तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ सकता है सिलाई लगाने में, तो जितना भी आए आपका एक बार मेज़र करके देख लेना कि आपके फिटिंग के बराबर है या नहीं। उसके बाद में हमें जो एकदम उसके बराबर मैंने ये जो है बेल्ट कट किया है। देखिए ये बेल्ट है जो कि डबल फोल्ड है। देखिए ये बेल्ट है इसका जो कि डबल फोल्ड करके रखा है, जो कि मैंने कलियां कट की थी उसमें से जो बचा हुआ कपड़ा था बीच बीच में, उससे मैंने जो है बेल्ट की कटिंग की और बीच में इसमें ज्वाइंट भी आया, और साथ में मैंने इसके अस्तर भी इसी में सिल के कंप्लीट कर लिया। अब जो इसकी चौड़ाई हमें 2 इंच जो ऊपर की तरफ हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच ली है इसकी, क्योंकि ये फोल्ड होगा इस तरीके से जो है ये फोल्ड होगा। और इसकी लेंथ जो है हमारे ऊपर वाले लहंगे में कलियाँ जोड़ने के बाद जितना आएगा उससे हमें इस तरीके से इतना जो है थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये जो इधर से फोल्ड होगा दोनों तरफ से। तो इस तरीके से मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली। अब हमें इसमें बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट को लहंगे में अटैच करने से पहले इधर ऊपर की तरफ बेल्ट अटैच होगा, इस साइड हमें इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। करीब 2 इंच तक हमें सिलाई लगानी है इसमें। तरीके से इधर मैंने सिलाई लगा ली। अब ये दूसरी साइड है इधर वाले, इस साइड भी हमें जो है इसी तरीके से 2 से 2.5 इंच तक
सिलाई लगानी नहीं। आप अगर यहाँ पे चेन अटैच करना चाहते हो तो चेन भी लगा सकते हो। इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर दूंगी और इसमें भी सिलाई लगा लूंगी। तो देखिए इसे मैंने दोनों को इतना इतना यहाँ तक जो है फोल्ड कर दिया। अब हमें इसमें बेल्ट अटैच करना है, तो उसके लिए पहले हम बेल्ट को जो है फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इधर से जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है उतना ही फोल्ड करना। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हमें इसे लहंगे में अटैच करना है। तो हम इसे अंदर की तरफ से उल्टी साइड से मैं इसे अटैच करूंगी ताकि हम पलटें तो पलटते टाइम सिलाई लगाएं तो एकदम फिनिशिंग से सिलाई लगाए लगे। हम इसे इधर से भी लगा सकते हैं और इधर से भी, दोनों साइड से लगा सकते हैं। तो मैं इधर से इसे लगा रही हूँ। तो यहाँ से हम सिंपली इसे इस तरीके से रखने के बाद सिलाई लगा देंगे इसमें। यहाँ से पूरा मैंने इसमें सिलाई लगा दी। अब ये हमारा एक्स्ट्रा है, इतना एक्स्ट्रा है, तो इसे भी मैं सेम उसी तरीके से फोल्ड कर दूंगी। देखिए इस टाइप से फोल्ड करके मैं इधर भी इसमें सिलाई लगा दूंगी। तो दोनों तरफ बेल्ट को पलट के हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमने इसे इस तरीके से अटैच कर लिया। इसके बाद जो ये सिलाई को हम इस तरफ दबाएंगे बेल्ट की तरफ और ऊपर की तरफ से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ऊपर से मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम चाहें तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो ये लेस है ये मैं इसमें अटैच कर दूंगी ऊपर की तरफ। इधर सिलाई लगा दूंगी, इधर सिलाई लगा दूंगी सिंपली। उसके बाद जो मैंने साड़ी में से लेस निकाली थी, जो नीचे मैंने लहंगे में लगाई, सेम उसी तरीके से मैं इसे भी यहाँ पे लगा दूंगी नीचे की साइड। अगर आप चाहें तो इसे ऊपर भी लगा सकते हैं। ये साड़ी में से जो मेरी 9 मीटर लेस में से जो लेस बची है वही है, दोनों नीचे की तरफ भी लग गई और ऊपर भी बेल्ट में लग जाएगी, क्योंकि जो नीचे की तरफ है लहंगे में वो 6 से 7 मीटर लगी और 2 से 2.5 मीटर लेस मेरी बच गई है। तो मैं ऊपर की तरफ भी लगा के इसे कंप्लीट कर लूंगी। सिंपली हमें इसे रख के सिलाई लगाना, उसके बाद हमारा जो साइड से ओपन है ये, तो इसमें भी हमें सिलाई लगानी है साइड से। साइड से इसे उठा के इधर रखना है और इधर हमें एकदम बराबर, एक साइड ओपन है, बराबर करने के बाद पहले इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। पहले सिर्फ साड़ी वाला जो कपड़ा हमारा ऊपर का उसमें सिलाई लगा देनी, फिर ये अंदर की तरफ हो जाएगा, फिर जो अस्तर आएगा हमें हमारा उसे उठा के हमें अस्तर से मिला के फिर पूरे अस्तर में ऊपर तक सिलाई लगा देनी। मतलब हमें साइड से इसे जो ओपन है उसे जोड़ देना है अलग अलग। हमने साइड से सिलाई लगा के लहंगे को पूरा जो है सिल के कंप्लीट कर लिया। बहुत ही सुंदर हमारा लहंगा बन के तैयार हुआ। इस तरीके से आप अपनी किसी भी पुरानी साड़ी या बोरिंग साड़ी का रीयूज करके सुंदर सा लहंगा बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।